आज सुबह सुबह मैं मस्त मजे से टीवी देख रहा था और अपने फेवरेट मूवी एवेंजर्स को एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन तभी यार मुझे भूख लग जाती है और भाई घर में कुछ खाने को था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि यार चलो बाहर से कुछ खाना लेके आ जाया जाए। तो मैं अपनी जगह से उठा, तैयार हुआ और भाई गाड़ी की चाबी लेके तुरंत निकल पड़ा अपनी S11 की तरफ। आपको तो पता ही भाई अपनी जो S11 है कितनी ज्यादा स्पेशल और प्यारी गाड़ी है, तो मैं हर जगह उसी से जाता हूँ। तो मैं अपने S11 में बैठा, गाड़ी को स्टार्ट करके निकल पड़ा सिटी की तरफ। एक बात ऐसी कि अपनी जो S11 है उसने 1,00,000 किलोमीटर पार कर दी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश था कि भाई देखो कितनी रिलायबल गाड़ी है भाई। लेकिन आज जो हुआ ना भाई, जो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए थे, बताता हूँ आगे देखते रहो आज मेरे साथ क्या हुआ। तो जब मैं सिटी में पहुंचा, सिटी में मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा था भाई, सामने सिग्नल भी लग गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने गाड़ी रोक दिया। मैं बोला क्या यार फिर से सिग्नल मिल गया। लेकिन जब भाई सिग्नल ग्रीन हुआ तो सब लोगों की गाड़ी चल गया, लेकिन जब मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट करने की कोशिश की, मेरी गाड़ी भाई स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, लिटरली भाई जगह से हिलने का काम नहीं रही थी। मैं कोशिश करा एक बार दो बार तीन बार भाई चालू करने की कोशिश किया, भाई गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, जगह से हिलने का कोशिश नहीं कर रही है। और भाई आपको तो पता ही है फिर लोगों का क्या, पीछे से हॉर्न मारना शुरू हो गया, भाई तू गाड़ी नहीं हटा रहा है, गाड़ी हटा के रास्ते पे खड़ा है। इससे पहले कि और ट्रैफिक जाम होता क्या भाई, मैंने देख लिया कि भाई यहाँ पे तो भाई अच्छा खासा लोचा हो गया गाड़ी को। मेरे को समझ में आ गया था कि गाड़ी खराब हो गई है। मैंने दादा और टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत फोन निकाला और अपने दोस्त को कॉल कर दिया, भाई बोला जल्दी से आ जा क्योंकि मेरी गाड़ी में हो गई है अच्छा खासा ब्रेकडाउन और इसको भाई अपने को टो करके ले जाने का है, तो टो ट्रक साथ में लेके आना। फिर 10 मिनट इंतजार करने के बाद वो आया और उसका टो ट्रक देख के तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके टो ट्रक को खुद ही टो करने की जरूरत थी, अच्छा खासा उसने टो ट्रक की बैन बजा के रखा था दोस्तों। और फिर फाइनली हमारी S11 को उसने टो कर लिया। ऑब्वियसली मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया था क्योंकि भाई मैं तो खाना निकला था, लेकिन अब देखो यार हालात ऐसे हो गए कि मुझे गाड़ी सुधारने के लिए मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। और बीच रास्ते में यार अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, मतलब भाई कहीं चूहे ने तो कुछ गाड़ी के इंजन को कुछ नहीं कर दिया, या फिर कुछ और तो बात नहीं हो गई, या फिर इंजन का खर्चा तो नहीं आएगा, क्योंकि यार अपनी S11 गाड़ी है, इसके S11 के बिना मुझे कोई गाड़ी पसंद नहीं आती, आप लोगों को पता है कितना स्पेशल ये गाड़ी। तो यार मुझे तरह तरह के ख्याल आने लग गए भाई, और अभी ये गाड़ी जो डिस्कंटिन्यू हो गई ये वाली गाड़ी, तो भाई मुझे कहां से मिलेंगी S11 मेरी वाली। ऐसा ही सोचते सोचते हम पहुंच गए फाइनली ऑटो रिपेयर शॉप में और वहां पे अब अपने को गाड़ी को रिपेयर करवाना था। लेकिन मैं सोच रहा था भाई ऐसा एक्चुअली इसको क्या हो गया जो मतलब ये पहली बार बंद पड़ गई है। तो भाई हमने किसी तरह गाड़ी को रोका और उसके बाद हमने गाड़ी को अंदर लगवा दिया पार्किंग में, और उसके बाद मैकेनिक ने उसको कम से कम 1.5 घंटा चेक किया। उसकी हरकतों से वो प्रोफेशनल मालूम पड़ रहा था, तो पहले उसने गाड़ी की अंडर बॉडी चेक और सारे चेक करने के बाद मुझसे बोला भाई गाड़ी के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या? तो मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या हुआ? तो भाई उसने जो जवाब दिया ना उसको सुन के मैं काफी ज्यादा उदास हो गया। वो वहां से उठा और उठ के मुझे बोलने लगा, देख भाई इसका इंजन अच्छे तरीके से डेड हो गया है, अभी इसका इंजन तो रिप्लेस होने से रहा क्योंकि ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो मैं जुगाड़ करता। तो मैंने बोला भाई तब तक मैं क्या करूं, मुझे भी तो गाड़ी की जरूरत है। तो वो मुझे बोलने लगा, तो भाई एक काम कर भाई, अभी के लिए कोई दूसरी कोई गाड़ी खरीद ले, वैसे भी 2 साल में चला रहा है उसको, कब तक ये वापरेगा। उसके बाद मैं डन तो था क्योंकि मैं 2 साल से एक ही गाड़ी यूज कर रहा था और भाई उसको मैंने इतना चलाया, उसके साथ इतनी ऑफरोडिंग की, जो गाड़ी को खराब तो होना ही था। तो मैंने सोचा कि यार चलो भाई अब एक नई गाड़ी ले लेना चाहिए। तो मैंने उसे उसकी फीस दे दी और बोला कि इंजन आने का मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने बोला इंजन आने के बाद मुझे जरूर बता देगा। तो मैं वहां से निकल गया और अब मेरा ख्याल था कि मैं सीधा चलूं शोरूम की तरफ, और उसके बाद मैं सीधा पहुंच गया महिंद्रा शोरूम की तरफ। और भाई महिंद्रा शोरूम देख के तो भाई मेरी आंखें चौंधिया आ गई थी भाई, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों का स्टॉक आया हुआ था भाई, अवेलेबल ही अवेलेबल था। वहां के मैनेजर ने मेरा स्वागत करके बोला, आइए सर आप क्या लेना चाहेंगे? मैंने सोचा कि भाई पहले यहाँ पे पूरी गाड़ियों को देख लिया जाए कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। तो मैंने बोला कि उसको मैं पहले पूरी गाड़ियाँ देख लूंगा, और भाई यहाँ पे सच में बहुत सारी गाड़ी अवेलेबल थी। तो पहली नजर मेरी गई थार पे, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, लेकिन मुझे चाहिए थी 7 सीटर गाड़ी। और फिर मेरी नजर गई यहाँ पे XUV 7W की, 2 कलर यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन इन दोनों में से भाई मुझे फिलहाल अभी नहीं चाहिए थी, मैं अभी ना डिसीजन बनाने का था। और उसके बाद मैंने देखी बुलेरो नियो, भाई साहब ये भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिख रही थी, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज था क्योंकि उसके बाद जो है मुझे स्कॉर्पियो NB दिख गई 2022 की। भाई मुझे स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा पसंद है और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही भाई मैंने अपना नजर घुमाया तो मुझे यहाँ पे दिखती है क्या भाई, ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो के S11 क्लासिक। और भाई मुझे कभी पता ही नहीं चला कि भाई इतनी जल्दी इंपोर्ट हो गई। भाई ये देख के तो भाई मैं तो अपना पता है मेरा रेड कलर कितना फेवरेट है, मैं तुरंत मैनेजर के पास गया और उसे बोला भाई ये गाड़ी निकाल के दे अभी के अभी, मुझे इसकी टेस्ट ड्राइव लेने की है। श्योर सर अभी निकाल के देता हूं। और फिर उसने अपनी स्कॉर्पियो S11 को बाहर निकालने के लिए चला गया। भाई मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि भाई S11 क्लासिक काफी दिनों से भाई मैं चाहता था लेने के लिए, लेकिन भाई अवेलेबल ही नहीं हो पा रही थी, 2 महीने से मैं इंतजार कर रहा था। तो भाई फाइनली उसने मेरे सामने S11 क्लासिक को लाके रख दिया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर को अच्छे से देख लिया जाए टेस्ट ड्राइव लेने से पहले, कि पुरानी वाली की कंपैरिजन में अच्छी है या फिर कुछ अलग इसमें चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने देखा कि भाई ये सामने से पूरी इसकी ग्रिल वगैरह चेंज कर दी गई है, फ्रंट बम्पर में ऐड कर दिए गए नए वाले DRL, नए वाले फॉग लैंप, नए वाले अलॉय व्हील्स डाल दिए गए दोस्तों, साइड में नए वाली स्ट्रिप्स दिखेंगी आपको, पीछे क्लासिक का लोगो, बूट पे क्रोम, नई महिंद्रा का लोगो, साथ में S11 क्लासिक की बैजिंग और इंडिकेटर साइड में हो चुके हैं। फिर मैं
गाड़ी के अंदर बैठा और अंदर से मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों तो गाड़ी के अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले चेंजेस क्या हुआ है। सबसे पहले तो आपकी नजर जाती है इसके स्टीयरिंग व्हील पे जो कि चेंज हो चुका है और उस पे आपको मिलता है नया महिंद्रा का लोगो जो एसयूवी वाला है और साथ ही साथ इसमें जो लेदर एक्सटेंट है वो चेंज होकर टैन लेदर के कर दिए गए हैं। और भाई साहब इसका जो लुक और फिनिश है पहले से अच्छी हो चुकी है। नया टच स्क्रीन मिलता है आपको और नए लेदर के सीट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं गाड़ी को भाई। और अब वक्त है दोस्तों गाड़ी को चलाने का और गाड़ी को जैसे चलाना शुरू किया ना भाई इतने में यहाँ पे फिर से मुझे सामने ट्रैफिक मिल गया तो मुझे गाड़ी बेफालतू के फिर से रोकनी पड़ी। लेकिन इस बार मैंने क्या किया जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ ना मैंने बिल्कुल देर नहीं की मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को फिर से वहां से पच करके भगा दिया। और भाई मानना पड़ेगा ये जो गाड़ी है ना इसका पिकअप मेरी वाली स्कॉर्पियो S11 से ज्यादा भयंकर था भाई। ये बहुत ज्यादा चलने में जबरदस्त थी इसको चलाने में भाई वो जो डीसी एसयूवी रगेड वाली फीलिंग भी आ रही थी और प्लस ये मोर प्रीमियम थी दोस्तों अंदर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और इसको चलाने में जो मजा आ रहा था ना भाई वो स्कॉर्पियो के जो ओनर्स है वही फील कर सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी मुझे पसंद आ गई थी तो मैं इसको गाड़ी को फिर से लेके आ चुका अपने शोरूम में। वहां पे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और भाई मैंने शोरूम से सेल्समैन से बोला कि भाई अब ये गाड़ी मुझे चाहिए और यही वाली चाहिए। तो भाई वो बड़ा खुश हो गया और उसने भाई तुरंत फाइनेंस वाले को बुला दिया क्योंकि ऑब्वियसली भाई हालात कुछ ऐसे चल रहे थे भाई क्योंकि मुझे अब भी मेरी गाड़ी इंजन भी रिप्लेसमेंट करना था पुरानी वाले का। तो भाई फाइनेंस वाला आया उसने मुझसे आधार कार्ड पैन कार्ड वोटिंग कार्ड ये वो अमका डमका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह मांगना शुरू कर दिया और मैंने बोला भाई हाँ सब है बस तू भाई जल्दी से फाइनेंस कर और मैंने फिर उसको 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया बाकी सारा लोन फाइनेंस करवा लिया। आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा सर थैंक यू फॉर बाइंग। तो फाइनली अब दोस्तों S11 क्लासिक अपने नाम पे हो चुकी थी और अब ये गाड़ी ऑफिशियली अपनी थी। तो मैंने भाई चलो सबसे पहले गाड़ी के साथ एक फोटो निकाल लिया भाई एक फोटो अच्छे से ले लो और फोटो निकालने के बाद भाई फाइनली अब मैं इसको लेके जाने वाला था मस्ती करने के लिए भाई। और यार भाई अपनी गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है लेकिन टेस्ट ड्राइव के टाइम पे मैं चला रहा था लेकिन अभी तो मैं अपने पूरे अंदाज में चलाऊंगा लेकिन यार मुझे फिर ट्रैफिक मिल गया। तो भाई यार मैं क्या ही बताऊं ये ट्रैफिक से मेरा दिमाग खराब हो गया है कभी कभी तो लगता है इन सबको ठोक के आगे चल जाना। लेकिन फिर भी अब मैं अपनी जो S11 क्लासिक है इसके साथ मैं काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग करने वाला हूं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि भाई कौन कौन सी कार्स के साथ इसको ऑफ रोडिंग करवानी चाहिए। जो भाई जिस कमेंट पर ज्यादा लाइक करेंगे भाई उसी के हिसाब से मैं करूंगा इसकी ऑफ रोडिंग और उन्हीं गाड़ियों के साथ करने वाला हूं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। S11 क्लासिक को आप अपने गेम में इंपोर्ट कर सकते हो शॉपिफाई पे अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो वहां से बाय करके आप इसे अपने गेम में इंपोर्ट करते हो। और मैं मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।